नमस्कार दोस्तों, मैं सॉल्यूशंस बैक से बोल रहा हूँ। लास्ट दो वीडियो में हम लोग देखे थे कैसे टैली इंस्टॉल किया जा सकता है, और उसके बाद टैली जो फ्री 30 डेज़ का लाइसेंस दे रहा है वो कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये है कि टैली में अपना कंपनी का जो डेमो कंपनी हम लोग क्रिएट किए थे उसका ID पासवर्ड एंड उसका यूज़र कैसे बनाया सकता है। कि पहले तो टैली खोल लेता हूँ, तब तक बात कर लेता हूँ। क्या होता है कि आपके डेटा आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है, तो आप छोड़ के कोई भी और यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी ID पासवर्ड देना ज़रूरी है। सो आप कंट्रोल पाओ कौन सा डेटा आपने एंट्री किया या कौन सा आपका यूज़र ने एंट्री किया वो भी आप देख पाएंगे। अब देखिए ये कंपनी तो आ गया, अब यहाँ पे कंपनी इन्फो में हम लोग जाएंगे। ये दबाने के बाद यहाँ पे ऑल्टर में एक बार जाएंगे, जाने के बाद ये कंपनी को मैं खोल लूँगा। यहाँ पे देखिए यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इसको हम लोग यस करेंगे। इसमें हम लोग नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, चलिए मैं ये एडमिन दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये जो पासवर्ड है ये आपका पासवर्ड है, कंपनी का मेन ID पासवर्ड है, और टैली वॉल्ट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसको सेव कर देते हैं। अब इसको जैसे ही हम लोग सेव करते हैं ये रिलोड कंपनी मांगेगा। अब यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4 5, तो वो कंपनी खुल गया। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल बोल के एक ऑप्शन आ गया, ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को यूज़र बनाना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी यूज़र एंड पासवर्ड, इनिशियली हम लोग डेटा एंट्री उसको उनको देते जो एक बार एंट्री करेंगे लेकिन बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग ओनर देंगे, यहाँ पे ओनर में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक यूज़र बना देगा यूज़र, और पासवर्ड भी उनका यूज़र ही होगा, या आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये देने के बाद मैं यस कर देता हूँ, तो ये एक यूज़र बन गया। अब मान लीजिए आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं उसी यूज़र के ऊपर, तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी में जाके आपको एक नया मैं टाइप बना देता हूँ, ओनर 2 बोल के। अब ये फैसिलिटी होगा ओनर ही होगा, यहाँ पे बैक डेज अलाउज वाउचर इसको आप 365 ही कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप कोई वाउचर सेव होने से पहले अगर उसका प्रिंट आउट रोकना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसको आप यस कर दीजिए, ऑल टाइप ऑफ वाउचर। अब डिज अलाउ में मान लीजिए मैं उनको डिस्प्ले एंड प्रिंट्स में जाके मैं ट्रायल बैलेंस में दे दूंगा, बैलेंस शीट डिस्प्ले एंड प्रिंट आउट में जाके मैं उनको दे दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बहुत खास जानकारी है जो बहुत सारे कंपनी या आप नहीं चाहते कि आपका एम्प्लॉय देखे, बाकी नॉर्मल काम वो जो करना चाहते कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी आप अपना बहुत सारा कंट्रोल यहाँ पे डाल सकते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेप्थ ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे। उसको एंड कर देते हैं, अब ओनर 2 को मैं सेव कर देता हूँ। अब यूज़र एंड पासवर्ड में हम लोग जो बनाए थे उसमें फिर से जाएंगे एक बार जाके, ये देखिए ओनर 2 का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो उसको ओनर 2 में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है पासवर्ड पॉलिसी, ये हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा जो यूज़र है वो अपना पासवर्ड खुद चेंज कर पाए, खुद का पासवर्ड अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो कंट्रोल भी यहाँ पे हम लोग देंगे। तो इसको एंटर मारेंगे, एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी को यस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मिनिमम लेंथ जो है 2 कर देते हैं उनके चॉइस में। अब पासवर्ड एक्सपायरी हमेशा रखिए सर मोर देन 365 डेज, मतलब 1 साल के लिए उसको वो एक्सपायरी मत करने दिया जाए। तो मैं इसको करूँगा 400 डेज कर देता हूँ नोटिफाई, ऑब्वियसली वो पासवर्ड एक्सपायरी होने से पहले आपको यूज़र को नोटिफाई करेगा और उसका 30 डेज पहले करेगा। अब रिस्ट्रिक्टेड ओल्ड पासवर्ड इसको अब मैं यस ही करता हूँ, एक करते हैं चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, यस कर देता हूँ, और अलाउ यूज़र टू चेंज योर पासवर्ड, यस कर देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे,
ये कंपनी को बंद कर देंगे। ये देखिए शट कंपनी, हमेशा कंपनी बंद करने के लिए टैली को पूरा बंद करने का दरकार नहीं है दोस्तों, सिर्फ शट कंपनी दबा दीजिए। मैं बहुत जगह देखा हूँ लोग टैली बंद कर देते हैं, तो शट कंपनी वहां से कंपनी वो वाला कंपनी बंद हो गया। अभी सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, यही कंपनी का यूजर खोलेंगे, यूजर यूजर। अब खोलने पे देखिए उसको बोलेगा भैया तुम अपना पासवर्ड चेंज कर दो, तो यूजर क्या करेगा अपना जो पासवर्ड है यूजर, और उसके बाद वो मान लीजिए पासवर्ड डालना रहता है 123 123। तो ये उसका देखिए यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट्स में आके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों नहीं है, ये हम लोगों ने उनसे छीन लिया है। फिर से मैं शर्ट कंपनी में जाऊंगा और एक चीज आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंपनी इन्फो में जाके अगर फिर ऑल्टर में जाके यस कर देंगे, यहाँ पे देखिए टैली ऑडिट फीचर्स एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस ये यस कर देते हैं तो क्या होगा कि वो यूजर क्या एंट्री किया है वो आपको पता लग जाएगा। सो ये जरूर कर लीजिएगा बिकॉज ये डेटा आपका है और सिक्योरिटी भी आपका है। सो ये करने से कि कोई भी एडमिन आईडी से घुस नहीं पाएगा और यूजर अपना यूजर से काम करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि यूजर ने एग्जैक्टली काम क्या किया है। सो दोस्तों ये सिक्योरिटी वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे आपको कैसे मास्टर बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री मास्टर या लेजर मास्टर, उसके बारे में बता देंगे। फॉर टिल थैंक यू, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।